Hi guys, today we are going to talk about IRSU Palermo Scholarship which is open right now from 5th of June onwards till 31st of August। तो एप्लीकेशन लिंक भी इसकी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ दिस स्कॉलरशिप इज ऑफर्ड बाय इटालियन गवर्नमेंट टू द स्टूडेंट्स जिनका फैमिली इनकम काफ़ी कम होता है, और इस स्कॉलरशिप में यू विल गेट द मेजर बेनिफिट ऑफ 7,655 यूरो पर ईयर एंड इट इज़ रिनेबल। तो आप जो है सेकेंड ईयर के लिए भी इस स्कॉलरशिप को ग्रैब कर सकते हो। अगर हम इसके कंप्लीट बेनिफिट्स की बात करें तो इनिशियली यू विल गेट ट्यूशन फीस वेवर, कंप्लीट ट्यूशन फीस आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। यू जस्ट नीड टू पे द रीजनल टैक्स ऑफ 156 यूरो, दैट इज इट। इसके अलावा ऐसा कोई ट्यूशन फीस नहीं पे करनी है आपको। सेकंड, यू विल गेट अकोमोडेशन एंड कैंटीन सर्विसेज एज वेल। थर्ड, यू विल गेट कैश अमाउंट ऑफ, एज आई सेड इन द स्टार्टिंग एज वेल, कि आपको 7,655 का जो है कैश अमाउंट मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में जब आप इटली में आकर ओपन करवा लोगे। लेकिन हाँ, इसमें एक और चीज़ ये है कि आपकी जो अकोमोडेशन और आपकी जो कैंटीन सर्विसेज का अमाउंट है वो इस 7,655 से वो थोड़ा बहुत जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा। ना अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें स्पेसिफिकली, तो रिक्वायरमेंट में सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है कि आपका एडमिशन होना चाहिए पलेर्मो यूनिवर्सिटी में और उसके आसपास के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें। आसपास के इंस्टीट्यूट में इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्राम नहीं, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो कह रहा हूँ, तो इसमें एडमिशन होना ज़रूरी है। सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि आपकी फैमिली इनकम जो है 22,500 यूरोज से कम होनी चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। नाउ दीज आर द ओनली टू रिक्वायरमेंट्स, और अभी भी पलेर्मो यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स ओपन है, तो आप इसके लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हैं एडमिशन की, एंड साइमल्टेनियसली जो है स्कॉलरशिप के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट की कैसे एप्लीकेशन होती है, तो सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मैंशन कर ही दूंगा। वहाँ से आपको जाना है वेबसाइट पर, वेबसाइट पर जो है स्टूडेंट पोर्टल के लिए लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, एंड दैट इज डन। डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकली बात करूं तो यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होने वाली है। पहला डॉक्यूमेंट होने वाला आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, जिसमें आपके फैमिली मेंबर्स के नेम लिखे रहेंगे, उनकी एज कितनी है, आपका रिलेशनशिप क्या है और उनकी इनकम कितनी, ये सारी चीजें लगी रहेगी। और फैमिली इनकम सर्टिफिकेट IRSU पलेर्मो के लिए चाहिए 2021 का। इसके साथ में आपको चाहिए रहेगा दोस्तों बैंक सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, ये भी दोनों भी जो है 31 दिसंबर 2021 के होने चाहिए। इसके अलावा आपको पासपोर्ट चाहिए रहेगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स के बेस पर जो है आप आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन कर सकते हैं। नाउ जैसे ही आप इसकी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, इसके बाद आपकी प्रोविजनल रैंकिंग आती है 1 सितंबर को, जिसमें पता चल जाता है कि आपकी स्कॉलरशिप मिलनी है या नहीं मिलनी है। अगर नहीं मिलनी तो उसमें क्या है कि फिर हमें रेक्टिफिकेशन टाइम मिलता है फॉर 10 डेज, जो कि 4 सितंबर से 15 सितंबर से स्टार्ट होगा, और इस बीच आपने जो भी डिस्क्रिपेंसीज या एरर्स या गलती की हुई है तो वो आप रेक्टिफाई कर सकते हो। इसके बाद फिर जो है आपकी फाइनल रैंकिंग आती है 29 सितंबर को, एंड देन उसके बाद जो है आप अराउंड अक्टूबर में यहाँ पर आ जाते हैं, और अक्टूबर में ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, काफ से इसे बनवाने के बाद, आप जो है फिर इसकी स्कॉलरशिप क्रेडिट हो जाएगी दिसंबर में, जो कि होने वाली 50% ऑफ द अमाउंट दैट आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग। ठीक है। नाउ वाइल प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंटेशन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब ये आप फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और बैंक सर्टिफिकेट बनवाएंगे, तो उसके पहले आपको, जब आप ये ड्राफ्ट कर लेंगे उसके बाद पहले आपको सबसे पहले लोकल बॉडी अटेस्टेशन करवाना रहेगा, जो कि आप सरपंच से करवा सकते हैं, MLA से करवा सकते हैं, तहसीलदार से करवा सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको इसी डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल करवाना रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, एंड देन इसी डॉक्यूमेंट को आपको ट्रांसलेट कराना रहेगा किसी भी VFS ऑथोराइज्ड ट्रांसलेटर से, एंड देन इसके बाद इसको फाइनली लीगलाइजेशन कराना पड़ेगा एम्बेसी के थ्रू। तो ये 4 स्टेप्स होने वाली रहती है, और उसके बाद आप जो है ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड इसके अलावा अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, और अगर फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में स्कॉलरशिप से रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। तो इट्स जस्ट अ शॉर्ट वीडियो जो मैं अपडेट के लिए आपके लिए बनाना चाहता था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।